Very good morning, students. Today we will discuss the new topic, that is of phasor. ठीक है, हम लोग आज इसके बारे में स्टडी करेंगे, फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे. देखो फेजर होता क्या है, हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, कुछ इस तरह से डिस्कस किया हम लोगों ने. क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम में, दैट इज फेज एंड फेज डिफरेंस. लास्ट क्लासेस का रिकॉल करो, जब हम इसको कन्वर्ट किया था तो उसमें हमने क्या बताया था कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड पोजिशन ठीक है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ठीक है, हम इन तीन क्वालिटीज को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते थे. किसका यूज करते थे, एम्पलीट्यूड पोजीशन का पार्टिकल एंड मैग्नीट्यूड को यूज करते थे. पहले हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि फेज और फेज डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, और देखो यहाँ पे आया मेरे पास एक बे थी, सिंपल इक्वेशन को याद करो, बे थी तो बे को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, मान लो मेरे पास एक पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे है, तो मुझे इस पार्टिकल की एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या याद है, एम्पलीट्यूड कितना है ठीक है, पोजीशन कितनी है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है. ठीक है, एम्पलीट्यूड को तो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है पार्टिकल की फ्रॉम स्प्रिंग पोजीशन. ठीक है, और ये जो पार्टिकल पोजीशन है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट करता था मैग्नीट्यूड को, रिप्रेजेंट करता था. ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फेज, यानी कि एट दिस टी टाइम पर पार्टिकल का फेज कितना है. समझा रही बात की, अब इसी फेज को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, फेजर में रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखो यहाँ पे फेजर की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ देखो जैसे कि हम साइनसोइडल वेव को इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरे पास एक साइनसोइडल वेव कंसिडर कर लेता हूँ मैं. ठीक है, इसमें लिखा साइनसोइडल वेव. अब देखो साइनसोइडल वेव में किसी एक इंस्टेंट के ऊपर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है या मुझे इसका पर्टिकुलर पोजीशन निकालनी है, तो मुझे क्या पता है इसके कितने मैग्नीट्यूड होगा, कितना इसका पोजीशन होगी. नो डाउट, अगर मैं इस चीज को निकालने की कोशिश करता हूँ तो मैं उसको कैलकुलेट करूंगा, बट दैट विल बी गिव अस अ वेरी लेंथी प्रोसेस. ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, तो हम क्या करते हैं इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फेजर का यूज करते हैं. अब मान लो मेरे पास दो वेव्स हैं, इसको मैं बी रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, यानी कि वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज बी नॉट. ठीक है, और एक और मैं वेव कंसीडर करता हूँ ये. ठीक है, जब मैं बी नॉट को रिप्रेजेंट करूंगा इसमें फेजर में, फेजर को याद करो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, ये जो हमारे पास साइनसोइडल वेव है, कौन सी वेव है, साइनसोइडल, ये किसका प्रोजेक्शन होती थी, एक रोटेटिंग वेक्टर का प्रोजेक्शन होती थी. सिंपल हार्मोनिक मोशन को याद करो इस तरह से. ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है. ठीक है, और ये वाई एक्सिस है. मान लो पार्टिकल का पोजीशन जो है यहाँ पर है, तो कौन से ऊपर, जीरो डिग्री, तो ये भी कौन सा हुआ, जीरो डिग्री. जैसे ही पार्टिकल रोटेट करता हुआ, कौन सा पार्टिकल रोटेट करता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, y पे पहुंच गया इस पोजीशन पे, तो कितना हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. क्यों, क्योंकि हम वेक्टर्स कंसीडर करते हैं. मैंने कौन सा वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, वोल्टेज वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, तो वोल्टेज वेक्टर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, उस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, दिस वोल्टेज वेक्टर कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर. ये रोटेटिंग वेक्टर मैंने बनाया हुआ है जो कि x पोजीशन से रोटेट करता हूं y तक जाएगा, y से रोटेट करता हूं x तक आएगा, फिर x से रोटेट करता हूं इसे y तक जाएगा. ठीक है, तो ये रोटेटिंग वेक्टर किस लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम v नॉट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो रोटेटिंग वेक्टर है दैट इज द साइनसोइडल वेव. ठीक है, इसी साइनसोइडल वेव को हम एक रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे देखो अगर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है मेरे को यहां से लेके यहां तक, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा इस टोटल वेक्टर की लेंथ के बराबर, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर. ठीक है, इसके इक्वल होगा लेंथ ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर के इक्वल. अब देखो ये जो मेरे पास वेक्टर है, देखो इसकी पोजीशन जो है b नोड पर कहां पर आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर आ रही है, तो ये पॉइंट मुझे किसी इंस्टेंट के ऊपर इसके फेस को बता रहा है. किसके बता रहा है, फेस के ऊपर, कितने इंस्टेंट टाइम के ऊपर,
करके किसी भी टाइम के ऊपर मैंने इसके वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बता दिया। अब देखो अगर इसका मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालता चलता हूं तो मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, यहां पे होगा। अब देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसे हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब हम इस रोटेटिंग वेक्टर्स में देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, यहां पे मैं टॉर्च लगा देता हूं तो टॉर्च का रिफ्रैक्शन देखो इस वेव के थ्रू कहां पे जाएगा, यहां पे। यानी कि जब मैं इसको यहां से ड्रॉ करूंगा तो कुछ यहां पे पहुंचेगा, ये किसको बताएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बताएगा। इसको बताएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ दिस रोटेटिंग वेक्टर और मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम ये जो वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं ये किसको बता रहा है, वोल्टेज को बता रहा है, ठीक है। तो ये तो किसी इंस्टेंट के ऊपर है, अगर यहां पे हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो यहां पे शो होगा, समझाई बात है। मैं उसी इंस्टेंट के ऊपर इसकी वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने क्या किया यहां पे इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उसी तरह से अब मान लो मेरे पास एक दूसरा वेव जो बन रही है वो करंट की बन रही है, किसकी बना रहे हैं वो करंट की वेव बना रहे हैं। तो देखो करंट की वेव के लिए ये वेक्टर जो होगा वो थोड़ा छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये जो वेक्टर बनेगा इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दूँगा, ठीक है। ये जो वेक्टर रोटेट करेगा ये किसके लिए रोटेट करेगा, आई डॉट के लिए, ठीक है। तो एक वेक्टर आ गया हमारे पास, एक मिनट। तो देखो उसी पोजीशन के ऊपर मैं आई नोट, ठीक है, आई नोट की वैल्यू को अगर चलो आई नोट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो आई नोट यहाँ पे बनेगा मेरे पास उसी टाइम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ आई नोट देखो वी नोट से छोटा है। अब देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वेक्टर को, ठीक है। बट एक्चुअल में ये जो वी नोट और आई नोट जो होते हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती है, ठीक है। तो इनको हम जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सिंपलीफाई हो सके। तो मैं इसको किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप बोलोगे कि रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो रोटेटिंग वेक्टर में इसलिए रिप्रेजेंट किया बिकॉज दिस रोटेटिंग वेक्टर इज आल्सो अ साइनसोइडल वेव, दिस इज अ वन काइंड ऑफ द साइनसोइडल वेव, इसको रिप्रेजेंट करता है, साइनसोइडल वेव को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, देखो हमने पढ़ा था कि जब पार्टिकल जीरो पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे भी पार्टिकल जीरो पोजीशन पे होगा, जैसे पार्टिकल की मूवमेंट होगी कहाँ तक, 90 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ पे वेव फॉर्म होगी कुछ यहाँ तक पहुंचेगी, फिर 90 से 180 पे आएगी यहाँ पे, तो वेव भी यहाँ पे फिर यहाँ पे पहुंचेगी। तो प्रोजेक्शन देखो लगा था अगर पार्टिकल यहाँ पे मानता हो तो 90 डिग्री के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे कितनी थी, जीरो डिग्री के ऊपर जीरो पे थी। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर चढ़ने लगा तो पार्टिकल की प्रोजेक्शन यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट की होती गई, बढ़ती गई ना यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची। तो यहाँ पे उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो उनका पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, ठीक है। फिर पार्टिकल ने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करने के बाद फिर वो नीचे की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ चढ़ने लगा इस तरह से, ठीक है। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो रही है, कम हो रही है, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्शन यहाँ पे जीरो पे पहुंची। अब प्रोजेक्शन के नीचे की तरफ गए तो जीरो से फिर से ये वैल्यू करेगा, हायर वैल्यू की तरफ जा रहा बट नेगेटिव साइड है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइड हायर वैल्यू। फिर यहाँ से पार्टिकल इस तरफ जाएगा फिर से इसकी वैल्यू की उसको अप्रोच करने लगेगी, दैट टू बी टू द जीरो, तो यहाँ से फिर से हम इसको जीरो को अप्रोच करवा देंगे। तो देखो ये रोटेटिंग वैक्टर जो है, ठीक है, मान लो ये रोटेटिंग वैक्टर ये रोटेट कर रहा है सारे, तो उसकी प्रोजेक्शन ऐसे अप एंड डाउन रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो उसी प्रोजेक्शन को हम यहाँ वेव की फॉर्म में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पे वी नॉट और आई नॉट के बारे में बात की गई, किसके बारे में बात की गई, वी नॉट और आई नॉट के बारे में बात की गई, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इनको एक वेक्टर्स की फॉर्म में शो कर दिया। किस फॉर्म में शो कर दिया, इनको वेक्टर्स की फॉर्म में शो कर दिया, और कौन से वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में। अब देखो इन बी नोट्स और आई नोट को पोजिशन को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक। इन दोनों के बीच का फेस डिफरेंस कितना है वो भी मैं बता सकता हूँ, यहाँ से इसके एक्चुअल पोजिशन से कितने एंगल पर है, 30 डिग्री, और दूसरा मान लेते हैं 20 डिग्री पर है, तो दोनों के बीच का फेस कितना हुआ, 30 माइनस 20, तो सॉरी ये आएगा 40 मान लेता हूँ, तो 40 माइनस 30 दोनों के बीच का फेस डिफरेंस कितना रह गया, 10 डिग्री का रह गया। बात समझ आ रही है, फेस डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो कितना आ गया,
30, 40 माइनस 30, 10 डिग्री का। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, फेजर बोला जाता है। ठीक है, अगर मान लो मेरे को एक और वेव को रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरह से, देखो एक और वेव की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये वोल्टेज वेव है मेरे पास, और इस वाले का तो देखो अगर मुझे इसमें यहाँ पे वेक्टर्स को शो करना है, ठीक है, तो कैसे शो करूंगा, ये एक्स एक्सिस एक्स वाई कंपोनेंट मान लेता हूँ। देखो वोल्टेज का प्रोजेक्शन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, जब मैं इसको यहाँ से लाइट फेंकूंगा, लाइट एक्चुअली फेंक दी जस्ट इसको सिंपलीफाई करने के लिए, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बता रहा है। ठीक है, तो कितना प्रोजेक्शन इसका यहाँ पर आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जब हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये आई वैल्यू मेरे पास किसकी आएगी, आई नॉट की, ये बी नॉट की, और ये आई नॉट, तो आई नॉट के लिए हमारे पास प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ये 45 डिग्री के ऊपर होगा, तो ये भी 45 डिग्री के ऊपर होगा, तो टोटल फेज डिफरेंस कितना हो गया, वी नॉट और आई नॉट के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री। तो यही रिप्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ पे की, ये देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे की इस वेव की, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोला जाता है। फेजर डायग्राम क्यों बनाई जाती है, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर, और ये जो वेक्टर्स हैं हमारे रोटेटिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर्स का एम्पलीट्यूड कितना होता है, जितना आपका वेव का एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर निकालोगे, अगर मान लो मेरे को इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर बोलो है, ठीक है, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो इसको प्रोजेक्शन में यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अगर मेरे को इस टाइम के ऊपर निकालना है, तो इसको प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे ले ली, तो ये मेरे पास वेक्टर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स की पोजीशन, उसकी पोजीशन को बता सकते हैं कि वोल्टेज और करंट की पोजीशन क्या है, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, उनका एम्पलीट्यूड कितना होता है। तो हम इन डिफरेंट क्वांटिटीज को इस फेजर डायग्राम की हेल्प से बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि ये सर्किट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्किट की यूजली हमें पर्टिकुलर पॉइंट ही पता होगा, उसका रीजन कहाँ से हो रहा है, तो हम इसकी हेल्प से, इनके हेल्प से इनको बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट दिस इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एक इक्वेशन चूज करते हैं, अब फेजर डायग्राम की थोड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो, अगर मैं एक इक्वेशन चूज करता हूँ, देखो दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू साइन ऑफ, यस लिखते हैं बी नॉट इज इक्वल टू सिंपल बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। मेरे को बोला जाता है कि इसकी फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को, ये किसको एंगुलर वेलोसिटी को, मतलब कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ठीक है, प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस जीरो का मतलब है दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं। अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को ड्रॉ करता हूँ, तो कोई किसी भी एंगल पर नहीं है, क्या एंगल तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और उसी तरह से दूसरा आई नॉट, आई नॉट भी किसी के बीच में कुछ एंगल नहीं, तो दोनों के बीच जो सेम फेज में है, यानी कि मैंने दोनों को ड्रॉ कर दी, इसलिए बी नॉट एंगल आई नॉट, that is both are in the same phase. अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, b is equal to b naught sin of omega t plus pi by 2 and I is equal to I naught sin of omega t minus of pi by 2. अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो sin pi by 2 plus आ रहा है, सब गरीब बात क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं वेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये x एक्सिस आ गई, तो इसमें देखो साइन ओमेगा टू बी नॉट पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू 45 डिग्री के एंगल पर, सॉरी 90 डिग्री के एंगल पर होगा ये। ठीक है, उसी तरह से माइनस ऑफ पाई बाई टू, तो पाई बाई टू, क्लियर होगी बात, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, टोटल 90 डिग्री, ये माइनस लिया, माइनस क्यों, माइनस नीचे की तरफ जा रहा है आई नॉट, क्लियर होगी बात, और ये वी नॉट में लिखते हैं, समझाई बात की, तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेजर डायग्राम। इसी फेजर को हम डायग्राम को क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं। बात सभी को ये